आप देख सकते हैं स्क्रीन में ऊपर हम जम्मू कश्मीर की टैली को लगातार अपडेट कर रहे हैं। न्यूज 18 लगातार अपडेट कर रहा है, ये बता रहा है आपको कि कौन आगे बढ़ रहा है कौन पीछे है। जम्मू कश्मीर में 41 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है वो लीड ले रहा है, जबकि बीजेपी 28 सीटों पर अभी रुझानों में बढ़त बनाए हुए है। अदर्स जो है वो एक बड़ा की फैक्टर हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में, खासतौर से जो 12 सीटों पर अभी लीड ले रहे हैं, जबकि 5 सीटों पर पीडीपी है। और इस बारे में और अपडेट भी हम लेंगे। हमारे साथ हमारा जो एक्सपर्ट पैनल है, हमारे जो सीनियर एडिटर्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनके साथ भी जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये जो रुझान इस तरह से है इसके क्या माने हैं, क्या ये माना जाए कि एग्जिट पोल में जो अनुमान लगाया गया था हूबहू उसी तरह के ये नतीजे भी परिलक्षित हो रहे हैं या फिर इसमें कोई तब्दीली है, और अगर ये है तो इसका कारण क्या रहा, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे, कौन कौन से ऐसा फैक्टर रहा जो इस नतीजे को सामने ला रहा है। हरियाणा में आप देखिए, हरियाणा में 90 सीटें हैं और जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं, दोनों जगह पर जो 90-90 सीटें आप देखें दोनों तरफ है, दोनों में अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के आंकड़े को लगातार हम स्क्रीन के ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं और जो नीचे आप देख रहे हैं वो हरियाणा के आंकड़े हैं, जिसमें कांग्रेस 56 सीटों पर लीड लेती नजर आ रही है। हरियाणा में 90 का मतलब यह है कि कोई भी दल या गठबंधन 45+1 अगर ले आता है तो वो सरकार बना सकता है। तेंदर सिंह सोढ़ी हमारे से जुड़े हुए हैं, न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर। तेंदर जी, ये जो आंकड़े भी बता रहे हैं, मैं खासतौर से जम्मू कश्मीर से पहले शुरुआत करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्या ये आपको लग रहा है कि हूबहू जो है ये एग्जिट पोल से मिलता जुलता है, या फिर ये कि इसमें किसी एक दल को मोटे तौर पर या साफ तौर पर मेजोरिटी मिल रही है, या फिर की फैक्टर जो है कुछ और होगा? जाएगा जिस तरह का भी इंडिया अलायंस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीआईएम का अलायंस है, वो ये दिखा रहा है कि 42 लगभग 42 के करीब वो सीटें जीत रहे हैं और जो जो मेजॉरिटी मार्क है उससे कुछ ही सीटें कम है। दूसरी तरफ बीजेपी जो 29 सीटों पे अपनी बढ़त बनाए हुए है, 29 सीटों पे बढ़त बनाए हुए, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो आने वाला वक्त होगा काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमें इसमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें 5 जो नॉमिनेटेड एमएलए होंगे वो एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। और दूसरी बात जो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जम्मू से कुछ बड़े नेता बीजेपी के, तरुण चुग हैं जो जम्मू कश्मीर में इंचार्ज हैं बीजेपी के, दविंदर सिंह राणा जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे उसके बाद वो अभी बीजेपी में है और नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कश्मीर गए हुए हैं, कश्मीर में जोड़ तोड़ कि किस पार्टी को किससे वो बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए आज की डेट में बीजेपी के दो बड़े लीडरों को कश्मीर जाना, जहां पर उनका कोई ज्यादा अपनी जो बीजेपी के अपने कैंडिडेट्स का कोई बड़ा स्टेक नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी वहां पर, कल भी हमने जैसे बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना, उनसे बात की और उन्होंने ये बात मानी कि हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या छोटी पार्टीज के साथ इन टच हैं। तो ये जो अगर 29 का आंकड़ा है और ये जो आंकड़ा यही एग्जैक्ट फिगर शाम तक सामने आता है तो बीजेपी कोशिश करेगी कि कुछ और लोगों को अपने साथ जोड़ के पहली बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी लेड गवर्नमेंट बने। और बीजेपी का एक जो उनका एक अनफिनिश्ड एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सीएम हो, एक हिंदू सीएम हो, क्या वो सपना साकार होते नजर आएगा? अभी कुछ घंटों में वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपने बताया कि 5 जो नॉमिनेटेड सीटें हैं तो उसके हिसाब से क्या ये जो मेजोरिटी मार्क तय होगा वो 90 के अंदर ही तय होना है या फिर 95 में तय होगा? नहीं देखिए, उसके बाद अगर वो 5 नॉमिनेटेड जो एमएलए होंगे, क्योंकि जो जब जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उन 5 नॉमिनेटेड एमएलए को वोटिंग का अधिकार दिया गया है, तो सरकार बनाने में उनकी वोट जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। वो जब जो आंकड़ा है, अगर क्योंकि सरकार बनाने के बाद उन्हें नॉमिनेट किया जाता है तो फिर उनकी वोटिंग का कोई महत्व नहीं रहेगा, लेकिन अगर सरकार बनने से पहले उन्हें नॉमिनेट किया जाता है और कहीं पेच ऐसा फंस जाता है कि किसी अलायंस को या किसी पार्टी को उन 5 कैंडिडेट्स की जरूरत पड़ेगी, तो उनका वोट जो है काफी अहम भूमिका निभाएगा जम्मू कश्मीर का भविष्य तय करने में। जी, और ये आप देखिए इस वक्त आप बता रहे हैं हरियाणा में 90 के 90 सीटों के जो रुझान आ रहे हैं उसमें आप देखिए कांग्रेस 57 सीटों पर आगे बढ़ रही है, लीड ले रही है कांग्रेस 57 सीटों पर, और ये बिल्कुल उसी के मुताबिक है जैसा कि ज्यादातर जो एग्जिट पोल्स ने ये बताया था कि वही चीज रुझान में फिलहाल हरियाणा में आप देखिए नजर आ रहा है। हरियाणा में कांग्रेस 57 ये अभी रुझान है, ये लीडिंग है, अगर ये नतीजे में तब्दील हो जाते हैं तो सीधा इसका मतलब है कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पर एक बार भरोसा करते हुए, उसके मैनिफेस्टो पर भरोसा करते हुए
उसे जो है एक बार सत्ता की चाबी वो सौंप सकती है, ये अगर नतीजे में बदल जाते हैं तो। वही आप एक इसमें बड़ा साफ इसमें संदेश ये भी देखने में आ रहा है कि हरियाणा में इस बार बड़ा डिसाइसिव लग रहा है, क्योंकि आप देखिए कि अदर्स जो है वो आठ है, यानी कि कुछ इंडिपेंडेंट ऐसे हैं जिन जो वहां अपने विधानसभा क्षेत्र में जीत का वादा रखते हैं, लेकिन जो छोटी दूसरी पार्टी है जैसे जेजेपी, जेजेपी 2019 में जब चुनाव जेजेपी ने लड़ा था बिल्कुल नई नवेली पार्टी थी और पहली बार वो चुनाव में गई थी जेजेपी और उसने 10 सीटें जीती थी, लेकिन अभी आप देखिए जेजेपी का लीड में भी खाता नहीं खुला है, तो जेजेपी को कहीं ना कहीं एक यहां पर सेटबैक है, एक बड़ा झटका है। जबकि आप देखिए अदर्स में, अदर्स का मतलब है कि इसमें इंडिपेंडेंट्स है या कुछ और छोटी पार्टियां हैं, लेकिन आईएनएलडी को थोड़ा इसमें राहत अभी फिलहाल मिलती नजर आ रही है 2019 के मुकाबले। और बीजेपी अभी 23 पर लीड कर रही है, कांग्रेस 56 पर लीड कर रही है, हरियाणा का ट्रेंड है, जबकि जम्मू कश्मीर आप देखिए जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें हैं जो जहां इलेक्शन हुए थे, इनके अलावा 5 वो सीटें हैं जिनका जिक्र अभी तेजेंद्र सिंह सोढ़ी कर रहे थे, जो नॉमिनेटेड जो मेंबर असेंबली होंगे उनकी संख्या 5 होगी। तो अगर